हे एवरी वन, वेलकम टू माई चैनल। सो गाइज, आज का जो ये मेकअप लुक है, ये मेकअप लुक है हरितालिका तीज, जो कि 9 सितंबर को है। या फिर आप कोई भी ट्रेडिशनल ओकेशन पे आप ये मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ मैंने इसे कैसे क्रिएट किया है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले क्या करना है, अपने स्किन को हमेशा बहुत अच्छे से क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद में यहाँ पे मैं ये जो अप्लाई कर रही हूँ, ये जोवी का सनस्क्रीन है, इसी में मॉइस्चराइज़र भी ऐड है। सो इसलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये दिन का मेकअप था इसलिए मैंने इसमें सनस्क्रीन ऐड किया है। और अगर आप रात के लिए या शाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इसकी जगह पे कोई भी मॉइस्चराइज़र जो आप यूज़ करते हैं आप उसे लगा लें। और हाँ, मेक श्योर मॉइस्चराइज़र से पहले आपने टोनर ज़रूर अप्लाई किया हो। तो यहाँ पे अब मैं प्राइमर का यूज़ करने जा रही हूँ। तो ये स्विस ब्यूटी का ही प्राइमर है, इसे मैं अप्लाई कर रही हूँ। ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, तो जहाँ जहाँ मुझे नीड है वहाँ वहाँ मैं डैप डैप करते हुए इसे अप्लाई करूँगी। एंड पूरे फेस पे, नेक पे अच्छे से अप्लाई करने के बाद में थोड़ा सा हमें इसे रेस्ट देना होगा। तो थोड़ा सा रेस्ट दें एंड उसके बाद में फिर हम इस पे आते हैं फाउंडेशन पे। तो फाउंडेशन मैं अप्लाई करने जा रही हूँ जो फाउंडेशन है, बट फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले मैं यहाँ पे कलर करेक्टर का यूज़ करूँगी। कलर करेक्टर इसलिए कि मेरे अंडर आई एरिया डार्क है, डार्कनेस ज़्यादा है, और अराउंड माई माउथ एंड माई यू नो नोज़, बिकॉज जो इस इंडियन स्किन टोन होता है आपको पता ही होगा कि उसका जो स्किन टोन होता है वो अनइवन होता है। तो उसे इवन करने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले जो यूज़ कर रही हूँ वो यहाँ पे कलर करेक्टर है, और वो ऑरेंज कलर का शेड मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। उसे मैं अपने अंडर आई एरिया और जहाँ आपको ज़रूरत है कि यहाँ पे मुझे अप्लाई करना है वहाँ पर आप इसे अप्लाई कर लें। और बस इसे अप्लाई करने के बाद में मैं यहाँ पे फाउंडेशन यूज़ करने जा रही हूँ। तो फाउंडेशन के लिए हाई कवरेज का फाउंडेशन स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन है, इसे लूँगी। प्लस मैं इसके साथ में एक और फाउंडेशन ऐड करूँगी, वो है लैक्मे 925 का मूज। इन दोनों को मैं एक साथ लूँगी और इन्हें मिक्स करूँगी, क्योंकि जो मूज है वो लिक्विड नहीं होता है, वो ड्राई होता है। और स्विस ब्यूटी का जो ये फाउंडेशन मैं यूज़ कर रही हूँ ये लिक्विड होता है। तो दोनों को मिक्स करूँगी और उसके बाद में जो शेड आएगा उसे मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। तो मैंने हाथों पे ही अच्छे से मिक्स कर लिया था एंड उसके बाद में फिंगर टिप की हेल्प से मैं पूरे फेस पे इसको अच्छे से अप्लाई करूँगी। और आप चाहो तो यहाँ पे ब्लेंडर का यूज़ कर सकते हो, ब्यूटी ब्लेंडर जो आता है आप उसका यूज़ कर सकते हो। और बस मैं यहाँ पे हाथों का ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही कंफर्टेबल हूँ अपने हाथों से, काफ़ी अच्छे से मेरा जो ये बेस है बहुत अच्छे से मेरे फेस पे अप्लाई हो जाता है। दैट्स वाई मैं इसे अपने हाथों से कर रही हूँ, उसे डैप डैप करते हुए पूरे फेस में अच्छे से करना है, ड्रैग नहीं करना है, सिर्फ डैप डैप करते हुए इसे अप्लाई करना है। आपके फेस में बहुत अच्छे से ये लग जाएगा एंड इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। सो देख सकते हो आप यहाँ पे किस तरीके से मैंने डैप डैप करते हुए पूरे फेस और नेक को अच्छे से यहाँ पे फाउंडेशन को अप्लाई कर लिया है। एंड फाउंडेशन के बाद में मैं यहाँ पे अपने पूरे फाउंडेशन को सेट करने के लिए लूज पाउडर का यूज कर रही हूँ, जो कि है ये वाइट टोन पाउडर। बहुत अच्छा फिनिशिंग आता है, बहुत अच्छा इससे लुक आता है और ये नेचुरल लगता है, ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा आपने मेकअप अप्लाई कर रखा है। सो मैं इसे ही यूज़ करती हूँ, मैक्सिमम टाइम में इसे यूज़ करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे वाइट टोन पाउडर लिया है और उसे पूरे फेस पे इस तरीके से अप्लाई कर लिया है, ताकि मेरा जो फाउंडेशन है वो अच्छे से सेट हो जाए मेरे फेस पे। और क्योंकि ये पाउडर है तो बहुत अच्छे से पूरे फेस में अच्छे से सेट हो जाता है। और अब मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ आईज़ में, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली हूँ। ये मेरे पास जो पेंसिल है ये एक्चुअली लाइनर है, और ये है मेरे पास ग्रीन कलर का, तो मैं इसे थोड़ा सा मोटा लगाऊंगी। और बस आप देख सकते हो मैं इसे दोनों आईज़ में थोड़ा सा मोटा करते हुए लाइनर जैसे अप्लाई करते हैं नॉर्मल लाइनर, उसे उस तरीके से अप्लाई कर लूँगी। और ज़्यादा पतला नहीं है और बहुत मोटा नहीं है, मीडियम साइज में रखते हुए इसको इस तरीके से पूरे दोनों आईज में अप्लाई कर लूंगी। दोनों आईज में देख सकते हो आप अप्लाई हो चुका है। और अब मैं अप्लाई और मैं यूज करने जा रही हूँ आईब्रो। तो आईब्रो के लिए मैंने ये यूज किया है आईब्रो पेंसिल। तो ये आईब्रो पेंसिल काफी मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज इसमें जो ब्रश भी है और ये पेंसिल है और ये ब्राउन कलर का शेड है। और पहले मैं इस ब्रश से अपने आईब्रोज को सेट करती हूँ, उसके बाद में इस आईब्रो पेंसिल से जहाँ जहाँ नीड है उसे अच्छे से लाइन एरिया
क्रिएट करती हूँ एंड उसके बाद में उसी जो ब्रश है उस ब्रश की हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर देती हूँ सो दैट मेरा आईब्रो बिल्कुल नेचुरल और बहुत ही अच्छा लुक देता है। तो मैं इसी तरीके से दोनों आईब्रोज को सेट कर लूँगी और आईब्रोज सेट करने के बाद में मैं अप्लाई करने जा रही हूँ मस्कारा। और ये मस्कारा है लैक्मे 925 का ही है, बहुत अच्छा है, इससे लैशेज का जो वॉल्यूम है बहुत अच्छा आता है एंड जब हम इसे वॉश करते हैं ना तो वो पूरी आईज कुछ लाइनर होते हैं जो ब्लैक कर देते हैं तो इससे बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होता, बहुत अच्छे से ये सब वॉश कर सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ इस मस्कारा को एंड मस्कारा अप्लाई करने के बाद में अब मैं यहाँ पे काजल लगाने जा रही हूँ। तो काजल जो मेरा है लैक्मे 925 का ही है और ये एलोवेरा है, इसे अप्लाई करने के बाद में आईज़ में ना ठंडा ठंडा फील होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं इसे आईज़ के जस्ट अगर अंदर लगा रही हूँ तो पूरी तरीके से दो राउंड शेप में पूरे में लगा ले रही हूँ, इससे बहुत अच्छी आई लुक आता है। जैसा आप देख सकते हो ये मैंने नीचे लगाया है और सेम ऐसा ही मैंने ऊपर भी लगाया है। और अब मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रही हूँ ब्लशर का, तो मैंने मेबलिन फिट मी का ही है ये पैलेट में आपको ब्लशर एंड कॉन्टूर एंड हाइलाइटर तीनों चीज़ें मिल जाती हैं और बहुत ही अच्छा है, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही प्यारा है। तो इसे मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से लगा लूँगी, इस तरीके से लगा लूँगी और नेचुरल भी लगता है और बहुत अच्छा लुक आता है इससे। और अब मैं यहाँ पे हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, तो हाइलाइटर आप वहाँ यूज़ करें जहाँ जहाँ आपको नीड है, जैसे मैं यहाँ पे नोज़ पे कर रही हूँ और आईब्रोज़ के नीचे कर रही हूँ, इससे मेरी आईब्रोज भी काफ़ी हाईलाइट और अच्छी दिखेंगी। अगर आपके ब्रश है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं और मुझे हाथ से ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है इसलिए मैं हाथ से यूज़ कर रही हूँ और हाथ से ही मैं यहाँ पे हाइलाइटर का भी यूज़ कर रही हूँ। और अब मैं यहाँ पे ये मेरे पास ऑरेंज कलर का लिप लाइनर है, इसे मैं पहले अच्छे से लिप्स को शेप दूँगी, पूरे लिप्स को अच्छे से शेप दूँगी और इसी लिप लाइनर से मैं हल्का हल्का पूरे लिप्स में लगा लूँगी एंड अब मैं इसके बाद लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। कभी भी आप कोई भी लिप लाइनर यूज़ करें उससे आप पूरे लिप्स में अच्छे से लगा लें एंड उसके बाद आप लिपस्टिक अप्लाई करना, तो आपको देखना उन दोनों में डिफरेंस क्या है, आपका जो लिप कलर है वो बहुत ही नेचुरली खिल के आता है। तो अब मैं यहाँ पर रेड कलर का लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ इस तरीके से, इसी लिप के जो लिप लाइनर मैंने क्रिएट किया था लिप लाइन उसके जस्ट नीचे नीचे अप्लाई कर रही हूँ और देख सकते हो आप जो कलर है एज इट इज़ वैसा ही कलर आ रहा है एंड लिपस्टिक अप्लाई कर लूँगी और मेरा मेकअप यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आप बिंदी लगा लें और हेयर स्टाइल अगर आपको करनी है आप कोई भी अच्छी हेयर स्टाइल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे हल्का सा जोड़ा कर रखा था, आपने देखा ये स्टार्टिंग मेरा लुक और साड़ी चूड़ी बस सिंपल सा लुक है बट बहुत अच्छा लगता है, किसी भी ट्रेडिशनल ओकेशन पे आप कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा मुझे बताना जरूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।